दोस्तों कई लोग शादी, ट्रैवल, मेडिकल इमरजेंसी एक्सेट्रा की स्पेंडिंग को मीट करने के लिए पर्सनल लोन लेने की तरफ जाते हैं। बट जैसा कि आप जानते हैं कि पर्सनल लोन एक अनसिक्योर्ड लोन है, यानी कि इसमें आपको बैंक को सिक्योरिटी के रूप में कुछ भी सबमिट नहीं करना पड़ता। तो ऐसे में जो बैंक इंटरेस्ट रेट देता है पर्सनल लोन पे वो थोड़ा हाई होता है, एंड हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से जो आपका रीपेमेंट बर्डन होता है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। हाय, दिस इज कृति एंड वेलकम टू आवर चैनल wishfin.com। एंड दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट दी स्मार्ट टिप्स टू रिड्यूस योर एग्जिस्टिंग पर्सनल लोन बर्डन। पहली टिप ये है कि आप अपने लेंडर से बात करें टू लोअर डाउन योर एग्जिस्टिंग पर्सनल लोन इंटरेस्ट रेट। अगर आपका रीपेमेंट ट्रैक अच्छा है, आपने कोई डिफॉल्ट नहीं किया है, आप टाइमली बेसिस पे सारे अपनी EMI पे कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि आपका लेंडर आपका इंटरेस्ट रेट थोड़ा लोअर डाउन कर देगा। एंड अगर आपका इंटरेस्ट रेट थोड़ा लो हो जाता है तो उससे जो आपकी इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट यानी कि जो आपकी EMI जाती है वो भी थोड़ी डिक्रीज हो जाएगी। सेकेंडली, अगर आपका एग्जिस्टिंग लेंडर आपके एग्जिस्टिंग पर्सनल लोन के इंटरेस्ट रेट को कम करने से डिनाई कर देता है, उस केस में आप बैलेंस ट्रांसफर ऑप्शन भी ऑप्ट कर सकते हैं, जहां आपका जो पर्सनल लोन है वो ट्रांसफर हो जाएगा दूसरे बैंक में, जहां सेम लोन लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट में चलाया जाएगा। ये एक कॉमन प्रैक्टिस है उन बोरोवर्स के लिए जहां आपका जो एग्जिस्टिंग लेंडर है वो आपके इंटरेस्ट रेट को कम नहीं करता है। If possible, go for zero fees offer in balance transfer to maximize your savings. Third tip is to pay from your yield investment. दोस्तों, you may have invested in products like fixed deposit, recurring deposit, etc. इन सभी products का जो average return आपको मिलता है वो मिलता है around 6 to 8% per annum. एंड अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपके टैक्सेबल स्लैब से ऊपर चला जाता है तो वो टैक्सेबल हो जाता है एंड आपका रिटर्न और कम हो जाता है ड्यू टू टैक्स डिडक्शन। सो इट्स एडवाइसेबल टू यू कि आप अपने इन्वेस्टमेंट से थोड़ा अमाउंट निकालकर अपने पर्सनल लोन की भरपाई कर दें, जिससे आपका जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो भी रिड्यूस हो जाए, प्लस आपका इंटरेस्ट अमाउंट भी रिड्यूस हो जाएगा। सो ये आपको हेल्प करेगा कुछ हद तक टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ योर पर्सनल लोन। अब बात करते हैं अबाउट दी फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड फॉर पर्सनल लोन बैलेंस ट्रांसफर। पहला, जो आपका एग्जिस्टिंग लेंडर है वो एक NOC यानी कि नो ऑब्लिगेशन सर्टिफिकेट इशू करेगा इन रिस्पेक्ट टू लोन ट्रांसफर टू न्यू लेंडर। सेकेंडली, आप अपने एग्जिस्टिंग लेंडर से स्टेटमेंट लेंगे जिसमें अभी तक आपने कितना लोन पे कर दिया है, कितना लोन अभी आउटस्टैंडिंग है, क्या इंटरेस्ट रेट चार्ज हो रहा था आपके लोन पर, कितना टेन्योर आपका रिमेनिंग है, एक्सेट्रा। ये सारी चीजें मेंशन होंगी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आप अपने न्यू लैंडर को दे देंगे टू प्रोसेस योर बैलेंस ट्रांसफर एप्लीकेशन। न्यू लैंडर आपके डॉक्यूमेंट्स को गो थ्रू करेगा, देखेगा कि आपका रीपेमेंट ट्रैक कैसा है, एंड देन डिसीजन लेगा कि आपके बैलेंस ट्रांसफर एप्लीकेशन को फर्दर प्रोसेस करना है या नहीं। सो दोस्तों, दीज वर सम टिप्स टू रिड्यूस योर एग्जिस्टिंग पर्सनल लोन बर्डन। होप आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो, और फिनटेक रिलेटेड अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल wishfin.com के साथ।